आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गार्नियर के स्मूथिंग मैकेडामिया हेयर फूड कंडीशनर के बारे में। इन स्टार्ट करते हैं पैकेजिंग से। तो पैकेजिंग आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर से एक बॉटल की फॉर्म में मिल जाता है एंड पैकेजिंग इसकी डिफरेंट है, हैंडी एंड बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन मुझे अच्छी लगी। बात करें प्राइस एंड क्वांटिटी की तो 350 ml का प्रोडक्ट मिल जाता है आपको 549 में, लाइक 550 रूपए में 350 ml का प्रोडक्ट मिलता है। ऑनलाइन जनरली डिस्काउंट चलते रहते हैं, बट एक्चुअल प्राइस की बात करें तो यही है 350 ml फॉर 549। एंड ये कंडीशनर जो है वो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, वीगन है एंड इसमें सिलिकॉन का यूज नहीं किया गया। सो ये सारी चीजें आपको बॉटल के साइड में मेंशन मिल जाती हैं। एंड साथ ही बात करें इस कंडीशनर के क्लेम्स की तो वो है डिटैंगल, स्मूथ एंड रिंस फास्ट। सो ये तीन क्लेम्स करता है ये कंडीशनर की, ये आपके बालों को डिटैंगल करेगा, उसे स्मूथ करेगा एंड बहुत ही इजिली वॉश अप हो जाएगा। ये कंडीशनर स्पेशली ड्राई एंड अनरोली हेयर के लिए है। एंड साथ ही बात करें एक्चुअल प्रोडक्ट की कि एक्चुअल प्रोडक्ट आपको कैसा मिलता है। सो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से कैप खुलता है इसका, लेकिन इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। देख सकते हो जितनी की जरूरत है बस उतना ही प्रोडक्ट आएगा। एंड साथ ही ये बड़ा वाला जो कैप है ये भी इजिली रिमूव हो जाता है, तो आप आराम से पूरे कंडीशनर को यूज कर सकते हो, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने वाला। सो पैकेजिंग तो यार मुझे बड़ी जबरदस्त लगी इसकी। एंड अभी मैं आपको दिखाती हूँ एक्चुअल प्रोडक्ट। एक्चुअल कंडीशनर जो है वो कुछ इस तरीके से व्हाइट क्रीमी थिक व्हाइट क्रीम मिल जाता है, देख सकते हो लाइक नॉर्मल कंडीशनर। एंड फिलहाल गर्मी बहुत ज्यादा है तो देख सकते हो ये मक्खन की तरह पिघल रही है, आप देख सकते हो मेरे हाथ पे कुछ इस तरीके से ये पिघल रही है। बहुत ही ज्यादा बटरी है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है एंड बालों पर बहुत ही अच्छे से स्प्रेड होती है। एंड साथ ही बात करें इसकी फ्रेग्रेंस की तो फ्रेग्रेंस बहुत ही ज्यादा मीठी सी एंड बहुत ही ज्यादा अच्छी है। पर्सनली इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। एंड अब बात करें अगर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की कि मुझे इसके पैकेजिंग और फ्रेग्रेंस के अलावा कंडीशनर भी अच्छा लगा कि नहीं लगा, तो भाई कंडीशनर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, बालों पे बहुत ही ज्यादा लाइट है। क्योंकि पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा वो थिक हेवी कंडीशनर नहीं पसंद, उससे बाल जो बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा फ्लैट हो जाते हैं। सो इस कंडीशनर के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बालों पे बहुत ही ज्यादा लाइट है, बहुत ही इजिली रिंस हो जाता है जो कि एक अच्छी चीज है। एंड बालों पे बहुत ही ज्यादा लाइट है, बालों को बिल्कुल भी वो फ्लैट एंड चिपचिप वाला इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं देता, जो कि लाइक मॉनसून के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही ज्यादा एक अच्छी चीज लगी मुझे। बहुत सारे कंडीशनर्स जो है वो बहुत ज्यादा हैवी होते हैं जिसकी वजह से बाल जो बहुत ज्यादा यू नो ऑयली से ग्रीसी से लगने लगते हैं, बट इसके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई थिंक इसे हर हर टाइप के लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि मॉनसून के टाइम पे तो भाई सभी के बाल बहुत ही ज्यादा ड्राई एंड फ्रीजी हो जाते हैं। सो बालों को बहुत अच्छे से स्मूथ करता है, वो बिल्कुल भी हैवी स्टिकी वाली फीलिंग नहीं देता, बालों को बहुत ही अच्छा शाइनी बाउंसी सा इफेक्ट देता है, जो कि लाइक पर्सनली मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा एंड आई थिंक आपको भी जरूर लगेगा। सो अगर आप इस कंडीशनर को ट्राई करने का सोच रहे हो, आपके मन में किसी तरीके का डाउट है, तो डाउट को निकालो एंड इसे आराम से ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मेरी तरफ से तो 100% ओके एंड मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। एंड हाँ यार इसे एक बार तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, रिग्रेट तो आपको पक्का ही नहीं होगा। सो बस दैट्स इट फॉर दिस टाइनी माइनी वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको के लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड साथ ही अगर आप कुछ मुझे रिकमेंड करना चाहते हो, कुछ सजेस्ट करना चाहते हो, तो ये सारी चीजें भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। सो बस दैट्स इट फॉर टुडे। मिलती हूं आपसे बहुत जल्दी अपने एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए एंड खुद से बहुत सारा प्यार करिए। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए एंड वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर भी करिए।